सर्वप्रथम माननीय अध्यक्ष महोदय जी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने मुझे प्रश्नकाल में बोलने का अवसर प्रदान किया। देश के शिक्षा विभाग जिम्मेदारी आप माननीय मंत्री जी के सक्षम कंधों में पर आ गई है, जिसके लिए मैं माननीय मंत्री जी का भी बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। माननीय मंत्री जी, विकसित देशों की तुलना में रिजर्व रिसर्च होने पर वाले व्यय भारत में काफ़ी कम है। माननीय मंत्री जी, अमेरिका, इजराइल तथा यूरोप में कोई विकसित देशों में अनुसंधान पर जीडीपी का 2% से लेकर 4% तक व्यय करते हैं। पिछले 15 अगस्त पर लाल किले से प्राचीर से भारत की यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की घोषणा की थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी इस पर बल दिया गया है। इस संबंध में माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन का गठन की अद्यतन स्थिति क्या है तथा कितनी प्रगति इस संबंध में अब तक हुई है। अब अनुसंधान पर खर्च बढ़ाने के लिए भारत सरकार क्या कार्यरत है? अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, उच्च शिक्षा में रिसर्च के बारे में और सामूहिक रूप में शिक्षा, रिसर्च, स्किल डेवलपमेंट और उसको लेके देश की आत्मनिर्भरता के बारे में एक मौलिक प्रश्न पूछा है और उससे आगे जाके एनईपी में, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, जो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के बारे में घोषणा किया गया और जिसके बारे में पिछले 15 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की भाषण में भी उल्लेख किया, सरकार इसी उपक्रम को बनाने के लिए कटिबद्ध है। प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर और संबंधित विभागों को लेके गहन विचार विमर्श जारी है। सरकार बजट से तथा अन्य विभागों की रिसर्च संबंधित जो फंड है, स्कीम है, ये सारे को सिनर्जी करते हुए, मिलाते हुए 50,000 रुपया आने वाले 5 साल में रिसर्च के लिए, जो रिसर्च नया इनोवेशन लेके आएगा, देश की मौलिक आवश्यकता को पूरा करेगी, सामान्य लोगों की जिंदगी में सुविधा लाएगी और भारत की विद्यार्थियों को नई शोध के लिए सुजोग देगी, इस प्रकार की उपक्रम सरकार की ओर से जारी है। दूसरा पूरक प्रश्न माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्राथमिक शिक्षा स्थानीय भाषा में प्रदान करने की बात कही गई है। अनुसंधान और कौशल विकास में भी स्थानीय भाषाओं की वरीयता तथा प्रधानता प्रदान करनी चाहिए। चीन, जापान, फ्रांस, जर्मनी, रशिया इत्यादि देशों में भारतीय स्थानीय भाषा में प्राथमिक तथा उच्च शिक्षा प्रदान की जाती है। अतः मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि स्थानीय भाषाओं के पाठ्यक्रम बनाने तथा पठन पाठन कार्य स्थानीय भाषाओं में करने के संबंध में सरकार क्या कार्य योजना है तथा क्या सरकार शिक्षा, अनुसंधान, कौशल विकास के क्षेत्र में स्थानीय भाषाओं तथा उच्च गुणवत्ता पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराने हेतु किसी राष्ट्रीय अनुवाद नीति को बनाने में क्रियाविंद करने के विचार करेगी? धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, सदस्य की जो एक महत्वपूर्ण सवाल है, क्या स्थानीय भाषा में सरकार पहल कर रही है पठन पाठन को आगे बढ़ाने के लिए? अध्यक्ष महोदय, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, नया शिक्षा नीति में उसके ऊपर विस्तार से वर्णन किया गया है। स्थानीय भाषा को, विशेष करके मातृभाषा को अग्राधिकार दिया जाए, ये 2014 के उपरांत माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक आग्रह की विषय बनी है, खुद उन्होंने उसको लीड किया है। उसकी अगर मैं सद्य दो उदाहरण दूं, अभी नीट की जो मेडिकल विद्यार्थियों के लिए, मेडिकल कॉलेज में दाखिला के लिए जो परीक्षा होती है, उसमें इसी बार को मिला के
13 भाषा में, यानी भारत की सारे स्थानीय भाषा में, वो मराठी हो, तेलुगु हो, तमिल हो, आसामी हो, मलयाली हो, या गुजराती हो, या कन्नड़ हो, या उड़िया हो, ये सारे पंजाबी हो, इस बार तो पंजाबी को भी जोड़ा गया है, इस प्रकार के आग्रह दिया जा रहा है। उसके अलावा इंजीनियरिंग कॉलेज में जेई से पास करते हुए देश भर की इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने की पहला साल स्थानीय भाषा में हो, AICTE ने उसकी कोर्स भी शुरू कर दिया है, जिसके तहत अभी देश की 14 इंजीनियरिंग कॉलेज उस पाठ्यक्रम को भी अपनाए हैं। भारत सरकार की और हमारी सरकार की प्राथमिकता है, हम इस विषय में विश्वास करते हैं, अगर विद्यार्थी हायर एजुकेशन तक अपने स्थानीय भाषा में पढ़ेगा, ज़्यादा समझेगा, ज़्यादा इनोवेट कर पाएगा। अंग्रेजी और राष्ट्रभाषा हिंदी को सीखना ही है, लेकिन स्थानीय भाषा को सीखना और सिखाना हमारी सरकार की प्रायोरिटी में है।